तो मेरे मट्टी के शेरों, क्या हाल आपके दोस्तों? आ गया आपके बीच में फिर एक बार नई वीडियो लेके। तो दोस्तों, वीवो तो था ही लेट लतीफ, लेकिन अब बात करेंगे हम शाओमी की, जिसे हम जानते थे पहले कभी समय पर वो अपने पुराने स्मार्टफोन में भी MIUI का अपडेट बड़ी जल्दी दे देता था। लेकिन दोस्तों क्या करें, इस बार MIUI 12 के टाइम पे पता नहीं इसको क्या हो गया। रेडमी नोट 8, मैंने आपके लिए पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था MIUI अपडेट किस में आने वाला है, लेकिन बात करें दोस्तों रेडमी नोट 8 की, तो स्किप कर दिया, अभी सस्पेंड कर दिया दोस्तों। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ गई है, सैमसंग लेट लतीफ़ है, वीवो लेट लतीफ़ है, ओप्पो अब थोड़ा बहुत कलर OS के टाइम पे थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन लेट लतीफ़ वो भी है। वीवो तो नंबर वन है सॉफ्टवेयर अपडेट देने में, लेकिन शाओमी भी दोस्तों उसी राह पे चल पड़ा है। रेडमी नोट 8 जो इनका मतलब लेटेस्ट डिवाइस है, अभी हम उसको इतना पुराना बोले, अभी तक दोस्तों उसकी जो रीसेल वैल्यू, सेल वैल्यू, मतलब वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी तक परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ भी माड़ी बनाए जा रहे हैं ये। और अभी आपको पता है मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी बोली कि कोई ऑफिशियल नहीं है, ये आगे पीछे करते रहता है शाओमी, वही हाल हुआ रेडमी नोट नेट में, इन्होंने कर दिया लेट काम। तो ये वीडियो दोस्तों इसी के ऊपर थी कि अब मतलब क्या किया जा सकता है, कर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है, अब आगे कभी अभी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट भी नहीं करी कि आगे कब देंगे। तो दोस्तों देखने वाली बात अब यही रहेगी कि रेडमी नोट 8 प्रो में अभी तो सस्पेंड कर दिया, आने वाला था, अब देखते हैं बाकी कब आता है। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन उससे ज़्यादा जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन आप दबाएंगे तभी मेरी रीच आप तक आएगी, वरना यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है। कई बार तो जो बेल आपने दबा रखी होती तब भी नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो लेकिन हमारे हम यही कहेंगे कि आप नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा तभी मेरी रीच आप तक आएगी। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। अभी थोड़ा चैनल पे नया हूँ, काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तजुर्बा आता रहेगा और अच्छी अच्छी क्वालिटी कंटेंट बनाते रहेंगे आपके लिए। ओके दोस्तों, आप देख रहे थे मेरा चैनल टेक्निकल डॉक्टर साहब। ओके दोस्तों, बाय।